मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूम ले दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूम ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो। कदरदान मेहरबान, यहाँ पर मौजूद हर मेहमान को हमारा सलाम। आज के दिन की मुनासबत से पेशे खिदमत है एक बड़ा ही खास पैगाम। आपके सामने है गांव के सरबरा हिकमत शाह का घर। आज हिकमत शाह के लिए बड़ी खुशी का दिन है, जानते हैं क्यों? आज इसके बड़े बेटे की शादी हो रही है ना, इसीलिए जभी तो हर तरफ मिठाइयाँ बांट रही हैं और सारा गांव भी दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर कोई हिकमत शाह की खुशी में खुश है और शरीक भी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। लो भाई, दुल्हा दुल्हन भी आ गए, यानी शेर शाह और उसकी बीवी। दुल्हा की माँ इनके सदके वारी जा रही है, साथ में दुल्हन की माँ भी, जो आपके लिए एक पैगाम भी लाई है। प्यारे गांव वालों, अपनी बेटियों की शादियाँ उस वक्त करो जब वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे इस काबिल हों कि एक खानदान की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। बिल्कुल इसी तरह तालीम भी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, और जरूरत पड़ने पर कार के खर्च में ना अपने शौहर का हाथ भी बटा सकती है। मैंने तो अपनी बेटी को 14 जमातें पढ़ाई हैं और आज वो गांव के स्कूल में उस्तानी है। गांव की बच्चियां उससे बहुत शौक से पढ़ती हैं और वो उनका मुस्तकबिल संवारने में ना उनकी मदद कर रही है। मुझे अपनी बेटी से पूरी तवक्को है कि वो अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत करे और अपने खानदान को बेहतर से बेहतर बनाएगी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। गांव वालों, ये सिर्फ एक घर या गांव की बात नहीं, हर घर, हर गांव और हर शहर की बात है। बेटियों को कम उम्र में ब्याह देना इनके साथ सरासर नाइंसाफी भी है और ज्यादती भी। बच्चियों को जान का खतरा भी हो सकता है और इनकी होने वाली औलाद की जिंदगी के लिए भी खतरनाक है। जो बच्ची अभी खुद को सही नहीं संभाल सकती, वो अपने बच्चे की देखभाल कैसे कर सकती है? आइए मास्टर जी, आइए। शेर शाह बेटे, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया मास्टर जी, बस आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अब तुम एक खानदान की बुनियाद रख रहे हो, तो एक बात का ध्यान तुमने खास तौर पर रखना है, अपनी बीवी से हर बात में सलाह मशवरा जरूर करना है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों मिलकर खानदान को बनाते हैं। तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखना उसका फर्ज है, इसी तरह उसके आराम का ख्याल रखना तुम्हारा भी फर्ज है। जी मास्टर जी, मैं ऐसा ही करूँगा। जीते रहो। लो जी, 6 महीने हो गए शेर शाह की शादी को। शेर शाह की बीवी की तबीयत अच्छी नहीं। शेर शाह की माँ ने दाई अम्मा को बुलवाया है, देखें दाई अम्मा क्या कहती हैं। मुबारक हो शेरे की माँ, घर में खुशी आने वाली है। खैर मुबारक, अल्लाह मेरे शेरे को सोना सा बेटा दे। लड़का लड़की दोनों अल्लाह की नेमते हैं और लड़कियाँ किसी तौर किसी से कम नहीं होती। अल्लाह ताला जो भी नेमत अता करे उसका इस्तकबाल खुशी से करो। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब तुमने आते जाते रहना है, अल्लाह जाने कब जरूरत पड़ जाए।
मैं तो बिल्कुल आती रहूंगी। तुमने और बाकी घर वालों ने भी इस बात का ख्याल रखना है कि बहू को मुकम्मल आराम मिले। उसको कोई वजनी चीज उठाने ना देना, हल्की फुल्की वर्जिश कराते रहना, उसकी खुराक और सेहत का खास ख्याल रखना। ऐस बात का ध्यान रखना उसे गजाइत से भरपूर गजा मिले, जिससे माँ बच्चे दोनों की सेहत अच्छी हो। और सबसे बढ़कर ये कि इसको खुश रखना है, इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसी हालत में तो औरत की सेहत और उसके आराम और सुकून का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि बच्चे पर अच्छा असर पड़े और वो सेहतमंद पैदा हो। सुना आप सब ने, जब घर में खुशी आने वाली हो तो हमला माँ की सेहत, गिजाइत से भरपूर खुराक और आराम और सुकून का खास ख्याल रखो। ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अरे ये क्या कर रही हो? पता है ना माँ दाई ने क्या कहा था कि तुमने वजन बिल्कुल नहीं उठाना। घर पर कोई नहीं था इसलिए उठा लिया, वरना तो सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मैं शहर गया था तो तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूँ, बच्चों की बेहतर नशोनुमा के हवाले से। तुम्हें पता है मेरे दोस्त की बीवी डॉक्टर है और वो बता रही थी कि बच्चे का जहन और सोचने समझने की तमाम सलाहियतें पैदाइश से पहले काम करना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह इर्द गिर्द का माहौल उसकी शख्सियत को संवारने या बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करता है। और ये कि दूध और सब्जियां बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये मालूमाती किताबें उसी ने दी हैं तुम्हारे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इन किताबों को ज़रूर पढ़ूंगी, इससे अपने होने वाले बच्चे पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। ये ले पुत्र, दूध पी ले और ये सेब भी खा लेना। तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए अच्छी खुराक बड़ी जरूरी है। माँ जी आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेती। ना पुत्र, तू भी तो मेरी बेटी है, तू आराम कर और खुश रह कर। मैंने सोचा है अगर बेटा हुआ तो उसका नाम बहादुर शाह रखूंगा। और अगर बेटी हुई तो? वो तो मेरी शहजादी होगी, उसका नाम आमना रखूंगा। और पता है मैंने पक्का इरादा किया है, बेटा हो या बेटी मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा। लेकिन गांव में लड़कियों का स्कूल 10वीं जमात तक है, मैंने तो खुद बीए का इम्तिहान प्राइवेट दिया था। फिक्र न कर, तब तक कॉलेज बन जाएगा, नहीं तो मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। हमारे गांव में बच्चे की इब्तदाई नशोनुमा ECD का भी प्रोग्राम चलता है, जो पैदाइश से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों और उनके वालदैन के लिए है। कल मैं जाकर उस प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज कराऊंगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमें अपने बच्चे की जहनी तरबियत में बहुत मदद मिलेगी। जरूर। और बताओ, बातों बातों में कितना वक्त गुजर गया। शेरशाह के यहाँ प्यारी सी बच्ची पैदा हुई है, सब बहुत ही खुश हैं। बच्चे के नाना नानी बहुत सारे तोहफों के साथ अपनी नवासी को देखने आए हैं। बिल्कुल अपने बाप की शक्ल है, और देखो तो आंखें माँ भर गई हैं मेरी रानी की। बेटी अब तुमने ना अपनी और इस प्यारी सी बच्ची की खुराक का ना बहुत ख्याल रखना है। अभी 6 माह तक बच्ची को सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए, पानी भी नहीं देना इसे। बिल्कुल सही कहा बहन, मैंने तो किसी को अपनी गुड़िया को घुट्टी भी नहीं देने दी। उसके पैदा होते ही घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध ही मिला था उसे पहली खुराक के तौर पर। वाकई माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन गिजा है, और कम अज कम 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध मिलना ना बहुत ज़रूरी है और बच्चे के लिए फ़ायदेमंद भी है। अच्छा ये बताओ इसको टीके लगवाने कब जाना है? टीके कौन से? बच्चों को पैदाइश के बाद 8 बीमारियों से बचाव के लिए टीके ज़रूर लगवाने चाहिए, जो किसी भी करीबी मरकज़े सेहत या फिर हस्पताल से मुफ्त लग जाते हैं। 8 बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, मैं तो कल ही शेरे के साथ भेजती हूँ अपनी रानी बेटी को। गांव वालों कुछ समझा तुमने,
بچے کو پیدا ہوتے ہی فوراً ماں کا دودھ دینا چاہیے اور 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ ہی دینا چاہیے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں دینا۔ اس کے علاوہ بچے کو دوسری غذاؤں کے ساتھ کم از کم 2 سال تک ماں کا دودھ ملنا بہت ضروری ہے۔ ہر بچے کو 8 خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوانا بھی ضروری ہے، اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ ارد گرد میں گندگی کے باعث عام طور پر بچوں کو دست لگ جاتے ہیں، جو کہ ان کی جان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ بچے کی بہتر نشو و نما کے لیے اس کی ماں کی غذا اور آرام کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اور غور سے سن لو، بچہ ہو یا بچی، تعلیم سب کے لیے ضروری ہے۔ جو کچھ بچہ پیدائش سے 6 سال کی عمر تک سیکھتا ہے نا، وہ باتیں ساری عمر اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ بچوں کو اس عمر میں مارنا یا ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ ماں باپ اور گھر کے دوسرے افراد کو آپس میں لڑنا یا جھگڑنا نہیں چاہیے، یا کسی نشہ آور چیز کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عادت بچہ بآسانی اپنی شخصیت میں جذب کرتا ہے اور مستقبل میں خود کی زندگی میں اپناتا ہے، کیونکہ بچے وہ سب کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، نہ کہ وہ جو کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بچوں کو ماں باپ کی طرف سے مکمل توجہ، پیار اور بہترین تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی بہتر صحت اور زندگی کے لیے یہ باتیں اچھی طرح یاد کر لو۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔